हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल केएलए क्लासेस में स्वागत है। जैसे हम लोग किस के बारे में पढ़े, आरआर मतलब रेलवे के लिए, और एनटीपीसी ग्रुप डी। हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के लिए, मतलब आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें हम लोग का टॉपिक क्या है, एससीएफ एंड एलसीएम। एससीएफ एंड एलसीएम इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्जाम हो, मैं कह रहा हूँ रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि हम लोग के पास अभी बहुत समय है। मान सकते हैं 3 महीना, 3 मंथ, मतलब अब हम लोग के पास समय है तो एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ना आपका एक टॉपिक छूटने पाएगा, ना आपका एक क्वेश्चन छूटने पाएगा, एकदम विस्तार से। हम एससीएफ और एलसीएफ पे आपको 5 वीडियो देंगे, लो से लेकर हाई लेवल तक एकदम बताया जाएगा, बस आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले जो हम पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम, घातांक गणित, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ये 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग का क्या है, एससीएफ एंड एलसीएम, इसके बाद क्या पढ़ा जाएगा, भिन्न, ठीक है। तो आते हैं, समझते हैं एससीएफ एंड एलसीएम क्या होता है, देखते हैं। एलसीएफ मतलब एससीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हम लोग एससीएफ के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद एलसीएम के बारे में। एससीएफ मतलब 3 विधि से हम लोग पढ़ेंगे, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि का फर्स्ट नियम, एक भाग विधि का सेकंड नियम। तो एससीएफ कैसे आप करेंगे, एलसीएफ मतलब मैसे होता है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, जैसे आप कह सकते हैं। सिंपल भाषा में हम आपको समझाएंगे किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। आप मैं कहूंगा किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक, आप हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, कितना मेथड पढ़ेंगे, 3 मेथड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, गुणनखंड विधि। सेकंड मेथड क्या रहेगा, भाग विधि। भाग विधि फर्स्ट और भाग विधि सेकंड। देखिए अभी आपको बहुत समय है, इसी नाते हम लोग ये तीनों मेथड आराम से पढ़ेंगे। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, मान लीजिए यार, पहले आप एससीएफ समझ लीजिए क्या होती है। एससीएफ होता है कॉमन चीज, जैसे हर किसी संख्या में कॉमन, जैसे आप 2 संख्या लिए 24 32, या कोई छोटी संख्या ले लें 8 4, ठीक है, इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन रहता है वही एससीएफ होता है। इसमें कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर इसमें कॉमन 4 है जो दोनों को विभाजित करते, ऐसे भी कह सकते हैं। पहले तो कहेंगे इनमें कॉमन 2 है, ठीक है, तो हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो एक कितना जाएगा 4, एक कितना जाएगा 2। तो कहेंगे सर अभी भी इसमें कॉमन 2 है, तो डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब कहेंगे सर इन दोनों में कोई, दोनों में इसमें तो 1 आ गया, इसमें 2 है, तो इसमें कोई कॉमन है, इसमें सिर्फ 1 कॉमन है ना कि 2 कॉमन है, तो इसमें 1 हो गया, यहाँ 1 से करेंगे तो 2 1 फिर आ जाएगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि 8 और 4 का एससीएफ क्या हो जाएगा, 8 और 4 का एससीएफ जो होगा आपका 4 हो जाएगा। कैसे होगा आपको पता होगा, मैंने क्या कहा, कोई भी 2 संख्या दी गई हो उसमें जो कॉमन होता है, जो भी टर्म कॉमन हो वही हम लोग का क्या हो जाता है, एससीएफ। ये तो अब नंबर का था, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अचर पर। जैसे आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, और सेकेंड क्या कह सकते हैं, एक्स वाई जेड। अब मैं पूछूंगा इनका एससीएफ क्या होगा, इनका एससीएफ क्या होगा, अगर आप इसको समझ लीजिए तो पूरा नंबर सिस्टम, जो नंबर का क्वेश्चन है वो समझ लेंगे। इसका एससीएफ क्या होगा, मैंने बताया जो कॉमन पद होता है तीनों में, जो कॉमन होगा इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में जो कॉमन होगा वही हम लोग का एससीएफ होगा। एससीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। तो देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स, इसमें एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक्स इसमें से निकालेंगे तो एक्स हो जाएगा। अब यहां देखिए वाई है, यहां भी वाई है, यहां भी वाई है, तो अगर यहां वाई एक ही है, यहां भी एक ही है, यहां 2 है, तो उससे मतलब नहीं है, तो यहां भी वाई हो जाएगा। और यहां बचेगा क्या, एक्स वाई, क्योंकि एक एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, वाई सिर्फ, क्योंकि एक एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, और एक वाई भी, यहाँ वाई नहीं बचा क्योंकि यहाँ से वाई भी हट जाएगा। अब देखिए यहाँ सिर्फ वाई बचा,
अब यहां से देखिए हम लोग x और y दोनों ले लिए हैं कॉमन, तो क्या बचेगा यहां सिर्फ z बचेगा, x y z, और यहां x y हो जाएगा। तो इनका जो x स्क्वायर y x और y स्क्वायर मतलब x y z, इन तीनों का कॉमन क्या है x y, क्योंकि हमने कहा अभी कि जो मतलब जो दिया गया हो अचर पद या संख्या उनमें जो कॉमन पद होता है वही हम लोग का एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब हम लोग गुणनखंड विधि और भाग विधि से समझते हैं। देखिए गुणनखंड विधि क्या है, गुणनखंड विधि ये होती है, आप अभी समझिए, जैसे दिया गया आप एक क्वेश्चन मान लीजिए 24 32 40, इसका क्या निकालना हम लोग को एचसीएफ, मतलब क्या निकालना है महत्तम सीमा पर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गुणन पहले हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे सेम आंसर आएगा, भाग विधि के फर्स्ट मेथड से सेम आंसर आएगा, भाग विधि के सेकंड मेथड से सेम आंसर आएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं गुणनखंड की फर्स्ट विधि से। तो क्या करेंगे 24 का गुणनखंड करेंगे, 32 का गुणनखंड करेंगे, 40 का गुणनखंड करेंगे। आपको पता होगा 32 का गुणनखंड पहले हम लोग छोटी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 2 * 3, 2 2 4 4 2 8 3 24, क्योंकि गुणनखंड तो यही होता है आपको पता होगा। फिर 32 का गुणनखंड करेंगे 2 2 2, 2 2 4 2 8 2 9 16 2 9 32। अब देखिए अब 40 है उसका भी गुणनखंड करेंगे 2 2 2 * 5, क्योंकि 2 2 4 2 9 8 25 40। अब गुणनखंड विधि में उनके एचसीएफ मतलब होता है कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन इन दोनों में जो तीनों में कॉमन होगा वही हम लोग का एचसीएफ होगा। तो आप कहेंगे सर पहले दो कॉमन है चलिए, फिर कहेंगे दो कॉमन है चलिए, फिर कहेंगे दो कॉमन है चलिए, अब देखेंगे और तीनों मशीन एक ही दो लिया जाता है कि ना कि अब तीनों ले लें, 2 इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से। अब देखेंगे यहाँ 3 है यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो इसमें से कोई कॉमन है नहीं, अगर यहाँ 3 होता यहाँ 3 होता यहाँ 3 होता तो हम यहाँ सीधे सीधे 3 लिख देते, और ना यहाँ 3 नहीं है तो हम लोग तीनों में 3 होना चाहिए, 3 नहीं है तो इसे 3 नहीं लिखेंगे, और यहाँ सिर्फ 2 है और ऊपर नीचे कुछ नहीं, तो हम लोग का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 8। ये हम लोग के फर्स्ट मेथड क्या था गुणनखंड विधि से आया। अब भाग विधि के फर्स्ट मेथड से हम लोग देखेंगे, भाग विधि के फर्स्ट मेथड से आंसर उतना ही आना चाहिए। भाग विधि का फर्स्ट मेथड ये है, देखिए क्या करेंगे इसका 24 32 40, यही होता है भाग विधि का फर्स्ट मेथड। ठीक है, भाग विधि का फर्स्ट मेथड। अब देखेंगे हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, पहले छोटी संख्या 2 से 12, फिर कितना आ जाएगा यहाँ 16, यहाँ कितना 20। अब देखिए 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 8, यहाँ 10, फिर इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे 3 4 5। ऐसी कोई संख्या जो तीनों को डिवाइड कर सके, 1, तो 1 से कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है बस। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 4 5 को डिवाइड कर दे, 3 तो 3 से डिवाइड होगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड होगा, पर 5 5 से डिवाइड होगा, तो हमें ऐसी संख्या जो तो तीनों को डिवाइड करे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं, तो इसी इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे हम लोग। अब इसका गुणा करा देते हैं 2 * 2 * 2 * 1 इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का आंसर 8। भाग विधि के फर्स्ट मेथड से भी हम लोग का आंसर 8 आ रहा है। अब हम लोग भाग विधि का सेकंड मेथड देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में। देखिए अभी जो क्वेश्चन लगाएंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। भाग विधि का सेकंड मेथड समझते हैं। देखिए आप जब विस्तार से पढ़ लेंगे ना तो एनटीपीसी ग्रुप डी में देखिए विस्तार से पढ़ लेंगे तभी जाके वहाँ का हर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपको मैथ पढ़ने का समय है, रीजनिंग पढ़ने का समय है, जब एग्जाम आ जाता तो ना मैथ पढ़ा जाता ना रीजनिंग पढ़ा, सिर्फ आपके प्रैक्टिस सेट करेंगे और क्या करेंगे जनरल साइंस पे थोड़ा सा आप रिविजन करें, क्योंकि जब मैथ रीजनिंग इसी समय एकदम विस्तार से पढ़िए, हर टाइप पढ़िए, हम इसमें कम से कम 5 से 6 टाइप आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका भाग विधि का सेकंड मेथड। इसमें क्या किया जाता है भाग विधि के सेकंड मेथड में, इसमें से जो बड़ी संख्या होती है, जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, सब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। बड़ी संख्या कितनी है 32, अगर आप दो को ले रहे हैं, इन दो को ले रहे हैं, इसमें बड़ी संख्या 32 है तो इसमें किस संख्या से भाग देंगे हम लोग 24 से, ना कि 40 से। मैंने क्या कहा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, अगर आप 40 को लोगे तो 32 से भाग देंगे, अगर 32 लिए तो 24 से भाग देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, थर्ड रूल, तो 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 24 से करने 24 कितना बचेगा 8 डिवाइड बाय 24। तो यहां देखेंगे आप, एक मिनट समझिए, यहां जो पहले क्या था ये आपका क्या होता है भाज, ये क्या हो जाता है भाजक,
ए भागफल होता, सॉरी ए क्या होता है आपका भागफल, ये क्या होता है भाज, ये क्या होता है भाजक, और ये क्या होता है आपका शेषफल। अगर आप फर्स्ट वीडियो हमारा नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, एकदम क्लियर किया हूं कि भाज्य भाजक कहां से आया है, इनका 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 गुणा किया जाता है, इनका जोड़ा जाता है तो ए आता है आंसर आपका। देखिए क्या बोलता है, इनका और इनका गुणा किया जाता है और इनको जोड़ दिया जाता है तो आपका भाज्य आ जाता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इतना क्लियरली बताया हूं कि आप जाके एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, अब देखिए हमने क्या किया, ए भाज्य होता, पहले जो भाजक होता है वो बाद में जाके भाज्य बन जाता है, क्योंकि जो यहाँ एड शेषफल बचता है उसी को हम लोग यहाँ 24 उतार के भाग देते हैं, अगर कट गया पूरा पूरा तो यही आपका क्या हो जाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 8। देखिए तीनों नियम से हम लोग का एचसीएफ समान आया, तो हम भाग विधि का फर्स्ट रूल हरदम यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एलसीएम पे, और एलसीएम में भी तीन नियम होता है, गुणनखंड विधि, भाग विधि का फर्स्ट, भाग विधि का सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम जो है उसमें एक ही नियम से पढ़ेंगे, गुणनखंड भाग विधि का फर्स्ट नियम, क्योंकि यही रूल उसमें भी है और यही रूल इसमें है, तो क्यों समय गवाए, आते हैं हम भाग विधि के फर्स्ट नियम पे। एलसीएम बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें कोई कॉमन उमन नहीं दिखने रहता है, इसमें किसी संख्या से काटिए, लास्ट में सिर्फ हमें वन 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 लाना है एलसीएम। एलसीएम मतलब लेस है, लघुत्तम समापवर्तक, या इसको कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए इसमें कुछ नहीं देखा जाता है क्या कॉमन चीज है क्या नहीं, बस हमें लास्ट में वन 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 लाना है। जैसे हम लोग का भाग विधि का सेकंड नियम इस पे हम लगाएंगे, फर्स्ट नियम, ठीक है, डिवीजन मेथड फर्स्ट रूल। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें हम वही एग्जांपल लेते हैं जो पुराना लिए थे, क्या लिए थे 24 32 40, 24 32 40। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए क्या है 24 32 40 है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम में क्या होता है, पहले आप छोटी संख्या से विभाजित करिए, फिर बड़ी संख्या से, अब किसी भी संख्या से विभाजित कीजिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ ए होता है मैसे में। महत्तम समापवर्तक में आप पहले छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, और लघुत्तम समापवर्तक अब किसी संख्या से विभाजित करिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें हम लोग किसी संख्या से विभाजित करेंगे, 4 से विभाजित कर सकते हैं, 6 8 कितना आ जाएगा 10, फिर 2 से विभाजित कर सकते हैं 3, क्योंकि हमें लास्ट में क्या लाना है 1 1 1, अगर 3 दिया तो 3 1 और 4 दिया तो 4 1। अब आप देख रहे होंगे पहले हमने किससे डिवाइड किया, 4 से, 4 में जब इसको डिवाइड किया तो मतलब भाग ही दिया जाता है, ये भाग विधि का फर्स्ट रूल है, तो इसमें भाग दिया जाता है 4 से, हमने 24 में जब 4 से भाग दिए तो 4 6 24 6 आया, 4 8 32 8 आया, 4 2 40, फिर इसको हमने 2 से डिवाइड किया, जैसे 6 2 रहेगा तो 3 तो आएगा, वैसे किया जाता है। ठीक है, तो 2 3 आ गया, जब 8 में 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, और जब 10 में 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, यहाँ 2 से डिवाइड किया, जब हमारा अगर एचसीएफ होता तो हम यहाँ छोड़ देते, क्योंकि यहाँ 3 4 5 में कोई कॉमन चीज है ही नहीं, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में हम लोग 1 1 लाना है, लघुत्तम समापवर्तक में, तो लास्ट में हम लोग 1 1 ला दिए, तो यही हम लोग का रूल है। अब इसका जब हम लोग गुणा कराएंगे, 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 बच्चे हो जाएगा आपका 160 160 3 480, तो जो आपका लघुत्तम समापवर्तक आएगा कितना आएगा 480। ठीक है, आपका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा 480, बस ये समझाने के लिए। अब देखते हैं हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आप अगले रूल पे चलते हैं। देखिए इसी वक्त आप अगला रूल भी समझ लीजिए,
कभी जब संख्या दी हो, जैसे देखिए क्या हो, हम लोग का अगला क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम जब फ्रिक्शन वैल्यू में दी, एचसीएफ एंड एलसीएम जब भिन्न में दिया गया हो, मतलब क्या है, जब एचसीएफ एंड एलसीएम जब भिन्न में दिया गया हो तब कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान सकते हैं आप 2/3, 4/9 और 5/12 लिख सकते हैं, 12, ठीक है। इसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ का सूत्र क्या होता है, अंश का एचसीएफ जो यहां रहता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। ऊपर वाला अंश रहता है और नीचे वाला हर रहता है। और एलसीएम का सूत्र क्या होता है, जो यहां पूछा जाता है उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं और जो नहीं पूछा जाता उसका एचसीएफ, अंश अपान हर। अब देखिए ये तो आपका सूत्र हो गया, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2/3, 4/9, 5/12 इसे हम लोग पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का भी मैंने सूत्र बताया है क्या, एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम लोग हर का जो है सॉरी अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 2/4, 5 का एचसीएफ निकलेगा, 2/4, 5 इसको हम लोग किस संख्या से डिवाइड करें कि तीनों डिवाइड हो जाए। आप कहेंगे सर 2 से, तो 2 से तो ए डिवाइड हो जाएगा, ए डिवाइड हो गया, 5 डिवाइड होगा नहीं, तो ये मतलब ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से डिवाइड होगा, ना 4 से, ना 5 से, एक से डिवाइड हो जाएगा। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 2/4, 5 आ जाएगा। तो आप हम कह सकते हैं जो 2/4, 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1। तो यहां हम क्या लिख देंगे, 1/3, 9, 12। 3, 9, 12 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। अब इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या जाएगा, एलसीएम में ये तो देखा नहीं जाता है कि ये तीनों संख्या किससे कट रही है किसने, हम लोग को लास्ट में क्या ले आना है, सिर्फ 1, 1। तो पहले से किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 3 से 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 3 3 9, 9 4 36। तो जो हम लोग का एचसीएफ आ जाएगा 2/3, 4/9, 5/12 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1/36। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का एचसीएफ तो आप लोग को समझ में आएगा, अब एलसीएम इसी के बेस पे समझ लेते हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं, और ठीक है। देखिए अभी आपके पास बहुत समय है, तो अभी हम आपको बस बेसिक एकदम क्लियर कर रहे हैं। अगर बेसिक क्लियर आपको, अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता है तब भी आप हमसे पढ़िए, आपको पूरा मैथ में पूरा जानकारी मिल जाएगा, पूरा का पूरा। दो दो मेथड से बताएंगे, एक तो रूल एक बेसिक, एक रूल मतलब एक ट्रिक से और एक बेसिक से। आप ट्रिक से जाना चाहे तो ट्रिक से जानिए, आप बेसिक समझें तो बेसिक समझिए। हर क्वेश्चन में आपको दो रूल बताएंगे, अब अगर आप कहेंगे तो 3 3 रूल से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में क्या होता है, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। क्योंकि हमने अभी आपको बताया जब एलसीएम निकाला जाता है, जो चीज पूछा जाता है उसका पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 2/4, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं यहाँ 2/4, 5 का, 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1/1, 5, फिर 5 हो जाएगा 1/1, 1। तो 5 × 2 = 10 × 20 अपान ये कितना है, 3 है। अपान क्या करेंगे, एलसीएम का तो अंश का एलसीएम होगा, अब हर का जब एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही तो हर में एचसीएफ ही निकलेगा। तो 3, 9 और 12 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, 3, 9 और 12। इसका जब हम लोग क्या निकालेंगे, इसको तो हम लोग मिटा देते हैं, अभी आप समझिए कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि तीनों में 3 डिवाइड 1 3 क्या जाएगा 4। तो ऐसी कोई संख्या जो 3 और 4 को डिवाइड कर सके, कोई संख्या नहीं है, जिसे हम लोग क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 4 आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 रख देंगे। तो हम लोग का जो एलसीएम आ जाएगा फ्रिक्शन का वो 20/3 आया।
हमने क्या सीखा, कभी जब एलसीएफ एंड एलसीएम जब भिन्न में दिया गया हो तो उसके लिए फार्मूला, हमने पहला फार्मूला एलसीएफ के लिए क्या पढ़ा, जब एलसीएफ निकालना होगा तो हर का एलसीएफ बटे अंश का एलसीएम, और जब एलसीएम निकालना रहेगा तो अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम। ये तो आपका दो फार्मूला हो गया। अब पहले जो एलसीएम और एलसीएफ के बारे में कुछ जानकारी मिला उससे कोई ना अभी सवाल लगाएंगे वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं एक अच्छा फार्मूला जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन उससे आते, उस फार्मूला को आप अभी कॉपी या पेज में नोट कर लीजिए क्योंकि वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं उस फार्मूले में, देखिए उस फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला सिंपल भाषा में बता रहे हैं, उसमें एलसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, फर्स्ट संख्या दिया रहेगा, सेकंड संख्या दिया रहेगा, बस उसको मैं एक बार नोट की, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या या कह सकते हैं सेकंड संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएफ इंटू एलसीएम। ये फार्मूला होता है आपका। मैंने क्या बताया, पहली संख्या या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। अब देखिए इस पे इतना क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आप खुद अगर किसी भी प्रैक्टिस से उठाएंगे, चाहे ग्रुप डी हुआ, चाहे आरआरबी हुआ, चाहे सीजीएल हुआ, चाहे एसएससी 10+2 हुआ, चाहे सीएचएसएल हुआ, चाहे ऑल इन वन कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, जहां किसी भी उसमें नोटिफिकेशन में दे दिया है चैप्टर का नाम एलसीएफ एंड एलसीएम, तो इस फार्मूला पे सवाल आने का चांस 100 में 100% हो जाता है, क्योंकि ये फार्मूला बहुत सिंपल है और बहुत ही मतलब नॉर्मली चीज है। इसमें तीन डिजिट दिया रहेगा, एलसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, या सेकंड संख्या दिया रहेगा, फर्स्ट संख्या पूछेगा, या तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट सेकंड, एलसीएम एलसीएफ पूछेगा। तो चलते हैं, अब हम लोग जो इतना पढ़े हैं उस पर 2-3 क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन लगा लेंगे तो हम लोग का जो क्लियर है आज का टॉपिक पूरा क्लियर, फिर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे जैसे सेल्स पे आधारित पढ़ लेंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन एसएससी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आप थोड़ा सा समझिए। दिया है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का महत्तम समापवर्तक या एलसीएफ निकालिए। क्या दिया है 1/2, इसे निकाल देते हैं, ठीक है, अभी इसका जरूरत नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10, इसका क्या निकालना है हम लोग को, महत्तम समापवर्तक, या कह सकते हैं मैसे या एलसीएफ, जो आप समझे, ठीक है। इसका हम लोग को महत्तम समापवर्तक निकालना है, इसी में हम लोग अच्छे से समझेंगे। मैंने क्या बताया था एलसीएफ के लिए सूत्र, आपको अभी जस्ट याद होगा, जो क्वेश्चन भी पूछा जाए उसका पहले हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएफ, किसका एलसीएफ, अंश का, ऊपर जब लिखा रहेगा तो आपको पता होगा अंश, और जो नहीं पूछा जाए तो उसका क्या निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम किसका, नीचे वाले का, हर का, बस यही मैंने आपको फार्मूला एकदम बताया हूं। इसी फार्मूला पे हम लोग का क्वेश्चन आ जाए, पहले हम लोग का 1, 3, 5, 7, 8, 9 का, 1, 3, 5, 7 और 9 का आपको पता होगा 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके, ओनली फॉर ओनली वन, तो वन ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर सकती है, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 का एलसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग को एलसीएफ निकालना है, मतलब मैसे निकालना है, तो 1 हो जाएगा। अब जब हमारा जिसका पूछा जाता है उसका हम लोग अंश में एलसीएम निकालते हैं और हर में एलसीएम, तो अब ये निकालेंगे हर का क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम 2, 4, 6, 8, 10 इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम मतलब लास्ट में 1, 1, 1 लाना है। अब इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा
वन 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 वन। तो आप कहेंगे जो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से गुणा करा दिए, पांच तीन पंद्रह, पंद्रह दुना तीस, तीस दुना साठ, साठ दुना एक सौ बीस। तो इसका जो एलसीएम आ गया किसका, हर का, एक सौ बीस। आप देखेंगे एलसीएम पूछा गया था कितना आ गया, वन अपॉन वन हंड्रेड ट्वेंटी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर। तो ये देखिए एसएससी 10 प्लस 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। मतलब जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो आप समझ जाइए कि उनमें से बात हो रहा है, मतलब महत्तम सीमा पड़ता है एससीएफ का। अब दो पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बताने जा रहा हूं। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो आप कहेंगे उसमें मैं से निकालना है, और जब छोटी से छोटी संख्या की बात हो तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, बस ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरी पूरी विभाजित करे। तो इसका हम लोग जब बड़ी से बड़ी संख्या कहते हैं तो क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो 200 और 320 का महत्तम समापवर्तक, इसको पहले हम किस संख्या से डिवाइड करेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो आप देखेंगे इसमें भी डबल जीरो है, इसमें एक जीरो, तो इसको हम लोग पहले कैन से डिवाइड, टेन से डिवाइड कर सकते हैं, तो बीस आ जाएगा, एक जीरो तो हट जाएगा, ये बत्तीस आ जाएगा। अब देखिए बीस और बत्तीस है, इसमें क्या काम है। आप कहेंगे सर दो से भी, तो दो से थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, तो हम हमारे एग्जाम में उतना समय होता नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसको हम किससे डिवाइड करें, आप कहेंगे सर चार से डिवाइड कर दीजिए, समय बचाना है, तो चार पंच बीस, चार बटे बत्तीस। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो पांच और आठ दोनों को डिवाइड करे, तो इसका गुणा हो जाएगा 10 × 4 = 40। मतलब जो हम लोग का एससीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखिए, भोपाल ट्रेन कलर भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया क्या है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया है 2.4, 0.36, 7.2 का मैस है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या कह सकते हैं एससीएफ। देखिए इसमें देखिए तीनों संख्या पे दो दो अंक पे दशमलव लगा है, तो इसमें अगर 100 से गुणा करा दें तो दशमलव हट जाएगा। तीनों संख्या में किसी भी क्वेश्चन में आप समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस संख्या में हम तीनों में क्या कर दिए, 100 से गुणा करा दिए, तो इसमें कोई परिवर्तन, कुछ नहीं परिवर्तन होगा, तो हो जाएगा 240, 36, 720। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एससीएफ। तो इस तीनों संख्या को ऐसी कौन सी संख्या जो डिवाइड करे पूरा पूरा, तो आप कहेंगे सर 4 है तो 4 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, और यहाँ 3 बचेगा 32, 4 बटे 32। अब ऐसी कौन संख्या जो 6, 9 और 18 को डिवाइड करे, तो आप कहेंगे सर 3 है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 20, यहाँ 3 और यहाँ 6। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 और 6 और 2 को डिवाइड, 2 जो है वो तो इसको डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, पर 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो एससीएफ में क्या होता है, जो तीनों संख्या नहीं डिवाइड हो रही है, चार संख्या जितनी संख्या दी रही है एक संख्या से नहीं डिवाइड हो रही, तो वही हम सवाल को छोड़ देते हैं और जो बचता है उसका गुणा करा के हम लोग आंसर लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो हम लोग समझ गए 2.04, 2.40 और 0.36, 7.20 का मैस कितना आ गया, 12। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम का पढ़ेंगे, और जो हमने बताया फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इजकल टू एससीएफ इंटू एलसीएम, उससे पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक काम करिए, वीडियो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप एक नोट्स बना के अच्छे से नोट करिए, क्योंकि देखिए अगर आपको तीन चार वीडियो देखिए उसके बाद अगर आपको समझ में आया तब नोट बनाइए, क्योंकि हमारा आपकी मोटो है कि आपको मैथ में एकदम मास्टर बना देना है, जीरो लेवल से एकदम हीरो बनाना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस सेट भी हल करवाएंगे, अगर आप हमारे नियम से पढ़े रहेंगे तभी हल पाएंगे, नहीं तो हम बता देखिए हम सबसे अलग नियम से बताएंगे, क्योंकि आपको भी लगेगा कि सर हाँ अलग नियम से बता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बस आपसे इतना ही।